नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तृतीय चरण में होने वाले पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण, भयमुक्त, पारदर्शी एवं निर्विघ्न संपन्न कराए जाने के उद्देश्य में आज पुलिस नियंत्रण कक्ष अलीराजपुर में समस्त राजपत्रित अधिकारी, पुलिस थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं समस्त पुलिस सेक्टर मोबाइल प्रभारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग में समस्त अधिकारियों को मतदान पूर्व भयमुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु लगातार असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई एवं मतदान केंद्र पर मतदान पूर्व भ्रमण के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान को लेकर सभी से फीडबैक लेकर सभी को साझा किया गया, ताकि तृतीय चरण में और सुधार लाकर जाकर किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण कराने जाने के उद्देश्य से अलीराजपुर पुलिस द्वारा लगातार असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 1766 असामाजिक तत्वों पर राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने द्वारा कैंप लगाकर 107/116 जाफो, 151 जाफो एवं 110 जाफो आदि की धाराओं में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर असामाजिक तत्वों व पंचायत चुनाव में शांति भंग करने की आशंका वाले व्यक्ति को चिन्हित कर पहले अंतरिम बाउंड ओवर कराया गया, पश्चात अंतिम बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई। कैंप में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की उपस्थिति में पहले नोटिस जारी किया जा रहा है, तथा जारी नोटिस को पुलिस के द्वारा तत्काल तामील कराया जाकर संबंधित व्यक्तियों को कैंप में बुलाकर अतिरूप में अधिक से अधिक राशि से बाउंड ओवर किया जा रहा है, ताकि चुनाव में पूर्ण रूप से अशांति फैलाने वाले व्यक्ति को अंतिम बाउंड ओवर की शर्तों पर उल्लंघन करने पर उसके विरोध धारा 122 जाफो की कार्रवाई कर जेल दाखिल किया जा सके। इसी प्रकार 5 प्रकरणों में जिला बदर की कार्रवाई की गई है, तथा कुल 102 प्रकरणों में अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, जिसमें से 32 प्रकरणों में अवैध रूप से कट्टे जब्त किए गए हैं। अवैध शराब के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 1087 प्रकरणों में कुल 19,786 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 49 लाख रुपए। अवैध शराब के तहत 1,20,000 के वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें 8 वाहनों में राजसाज की कार्रवाई की गई है, तथा 2 शराब के प्रकरणों में जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह के तृतीय चरण में पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए अलीराजपुर पुलिस टीम के द्वारा अगले तृतीय चरण में पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों की कड़ाई से पालन करवाते हुए मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। सभी के समन्वय से अलीराजपुर पुलिस का प्रयास है कि भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराए जाए। अलीराजपुर जिला ब्यूरो मुस्तकी मुगल की रिपोर्ट। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।